यूरोलॉजी एंडोलॉजी केयर में एक जागरूकता जो बहुत हद तक मिसिंग रही है वो जागरूकता आज हेल्थ चेकअप है। हेल्थ चेकअप में हम जैसे बाकी ऑर्गन्स की भी स्टडी करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आएगी, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स की इवैल्यूएशन हेल्थ केयर में। ये देखने में आया है कि सोनोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आज के ज़माने में, जो कोई ज़रूरी नहीं कि जब हमें दर्द हो, उल्टी हो, बुखार हो या पेशाब में खून जाए तभी की जाती है, ये हेल्थ चेकअप में की जाती है। और दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हेल्थ चेकअप के सोनोग्राफी में हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, उसमें एक तो है किडनी के स्टोन्स, जो किडनी में स्टोन्स इंसिडेंटली पकड़ में आए पर आपको तंग नहीं कर रहे, और दूसरा किडनी में ग्रोथ या किडनी में मासेस। अल्ट्रासाउंड उस तरह की एक रेवोल्यूशन है जो पिछले 20-25 साल में इम्प्रूव होती गई और उस लेवल को जा चुकी, जहाँ एक ऑब्जर्वर जो एक डॉक्टर सोनोलॉजिस्ट है, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है, वो आपकी सोनोग्राफी के द्वारा नॉन इन्वेजिव तरीके से कुछ कुछ चीज़ें पकड़ लेते हैं जो हम हेल्थ चेकअप में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या उस इवैल्यूएशन में जिसमें सोनोग्राफी उस कारण के लिए की नहीं गई है। आपने किसी बहाने सोनोग्राफी कराया, और दो ऐसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की जागरूकता आपको होनी चाहिए जिसमें एक तो स्टोन है। किडनी स्टोन्स साइलेंटली ग्रो करते हैं, वो साइलेंटली छोटी सी न्यूक्लियस से क्रिस्टल बने और वहाँ से फिर एग्रीगेट हुए और फिर एक फुल फ्लेज स्टोन कहलाते हैं, जो अपने में एक बड़ी सी कंक्रीशन है, और ये स्टोन हमें तंग कर सकता है। ये स्टोन या तो ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और किडनी के फंक्शन को तंग करेगा, या बढ़ के ब्लॉक करेगा किडनी को, जिसमें दर्द, पीड़ा, इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर छोटा सा ही हो और उस यूरेटर के द्वारा निकलने की कोशिश करेगा, और ये सब कुछ तब नहीं हो पाएगा जब हमने सोनोग्राफी में स्टोन को टाइम पर पकड़ लिया। तो लोग कहते हैं कि मेरे को पता ही नहीं था स्टोन था, और सडनली मेरे को एक रात दर्द हुई जब मैं छुट्टी पे था, या मैं काम पे था, या मैं ट्रैवल कर रहा था। तो ये अनकॉमन नहीं है कि जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जिसमें पानी की मात्रा कम है, जिसमें हम पानी कम पीते हैं, हमारी हाइड्रेशन उस लेवल तक ही रहती है जितना हम अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, और बाकी लिक्विड्स हो जो जूस हो और कॉफ़ी वगैरह से अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जो यूरिन जिसे हम अंडर सैचुरेट रखना चाहते हैं, डाइल्यूट रखना चाहते हैं, उसके लिए उतनी पानी शायद मिल नहीं पाती होगी। तो स्टोन बनना एक तरह के एपिडेमियोलॉजिकल इशू, एक तरह के एपिडेमियोलॉजिकल बीमारी कही जाएगी, जिसे हम जागरूकता के द्वारा आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना चाहते हैं। कहने का मतलब कि अगर सोनोग्राफी जो रूटीनली की गई है और उसमें अगर किडनी स्टोन्स पकड़ में आए, तो आपके यूरोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड है। हफ्ते में मंडे से लेकर सैटरडे तक ऐसे 10 से 50 पेशेंट होते हैं जो अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके आते हैं, या हेल्थ चेकअप कराया, या किसी और कारण से सोनोग्राफी कराया और उसमें यह पकड़ में आया कि एक स्टोन या कई स्टोन्स किडनी में है, और वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में, हमें कोई मुश्किल या दर्द नहीं हो रही है। तो किडनी में स्टोन्स पड़े हैं तो वो शायद आपको दर्द, जलन, पीड़ा, दर्द, खून, बुखार कुछ नहीं करने देते, बिकॉज वो साइलेंटली ग्रो कर रहे हैं। जब किडनी की मेन पाइप को ब्लॉक करते हैं या गिर के यूरेट्रिक कोलिक करते हैं, तो शायद दर्द, जलन, बुखार, पीड़ा उस तरफ होती है जिस तरफ ये किडनी के स्टोन ब्लॉक कर रही है। तो किडनी पीछे होते हैं और इनका वहाँ ब्लॉक होना या उनकी वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन या उसके द्वारा स्टोन का निकलना और खून जाना और उल्टी होना, ये सब एक तरह की इमरजेंसी बन सकती है। तो अगर साइलेंट स्टोन्स पकड़ में आए आपके सोनोलॉजिस्ट के द्वारा, आपकी सोनोग्राफी में जो रूटीन चेकअप है, या कोई हेल्थ चेकअप हुआ जिसमें ये चीज पकड़ में आई है, तो इसका ट्रीटमेंट टाइम पे पॉसिबल है। इसको डिसॉल्व करना, इसको पाउडर करना, इसको दूरबीन के द्वारा अंदर किडनी में जाकर के इसको निकाल लेना, आपको इमरजेंसी से बचाता है, आपकी किडनी को फ्यूचर में चोट पड़ने से बचाता है। तो अल्ट्रासाउंड कितनी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा उतना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि आज सोनोलॉजिस्ट इतने क्वालिफाइड हैं और इस तरह की सोनोलॉजी, इस तरह की डॉपलर पे वो किडनी में मासेस पकड़ लेते हैं, किडनी में गांठ पकड़ लेते हैं। किडनी में जो सॉलिड गांठ है, किडनी में वो गांठ है जो पकड़ में आई है लेकिन सिस्ट नहीं है। सिस्ट या पानी का गुब्बारा जैसे हम सिंपल सिस्ट कहते हैं, जिसके बारे में हम बहुत बार घबरा जाते हैं, वो एक पानी का गुब्बारा है या वो सिस्टिक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल वेल डिफाइंड सिंपल सिस्ट है। उस सिस्ट को शायद हम छूते नहीं, उसे हम ईयरली फॉलोअप करते हैं और देखते रहते हैं, बशर्ते वो तंग नहीं कर रहा और वो नॉर्मली तंग नहीं करता। लेकिन उस तरह के सॉलिड गांठ जो किडनी में है, किडनी के सरफेस पे आने की कोशिश कर रहे हैं या पूरी किडनी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और क्योंकि ये भी उतनी साइलेंट होता है जैसे मैंने स्टोन्स बताया, और क्योंकि रूटीन सोनोग्राफी में पकड़ में आई है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के सॉलिड गांठ ट्यूमर होते हैं और इन ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। इन ट्यूमर्स को अगर हमने सोनोग्राफी में आइडेंटिफाई किया और इसे सॉलिड ग्रोथ देखा, तो हम इसे आगे बढ़ करके सीटी स्कैन करते हैं और कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन में आइडेंटिफाई करते हैं ये कितना हेट्रोजीनस है। तो किडनी ट्यूमर्स उस तरह के ट्यूमर्स हैं जो एपिडेमियोलॉजिकली स्मोकर्स में ज़्यादा कॉमन है। तो स्मोकर्स एक तरह का रिस्क कैरी करते हैं जिनमें उनको इस तरह की ट्यूमर्स हो सकती हैं जो यूरिनरी ब्लैडर में, किडनी में और किडनी की पाइप या यूरेटर में हो सकती हैं। पर सोनोग्राफी के द्वारा अगर हम कोई भी ग्रोथ पाते हैं जो एबनॉर्मल है, वो या यूरिनरी ब्लैडर में हो जो एक ग्रोथ है जिसके कारण यूरिन में खून जा रहा है, या सिर्फ पकड़ में आ गया एक ग्रोथ, और दूसरा जो किडनी में पाया गया ग्रोथ,
ये सब ट्यूमर्स होते हैं, ये सब ट्यूमर्स जिसको आगे बढ़ करके और समय पे ट्रीट करना है, वरना ये बढ़ने की कोशिश करते हैं, वरना स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं और अलग ऑर्गन्स को जाते हैं। सर्जरी इनकी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होती है। आज के ज़माने में हम किडनी ट्यूमर्स को रोबोटिकली ट्रीट करते हैं, अगर छोटा सा ट्यूमर है तो उसको हम जाकर के रोबोटिकली पार्शियल नेफ्रेक्टमी के द्वारा क्लियर करते हैं। अगर किडनी मेजर एस्पेक्ट में पूरा इन्वॉल्व है या किडनी पूरा इन्वॉल्व है तो उसे हम रोबोटिक रेडिकल नेफ्रेक्टमी के द्वारा पूरी किडनी निकाल देते हैं ताकि ये ट्यूमर बाहर स्प्रेड ना हो और टाइमली इसे पूरा निकालते हुए क्योर पे ले जाए। तो देखिए आप, सोनोग्राफी हमें कहाँ तक ले गई। तो आज के ज़माने में हेल्थ चेकअप उतना इंपॉर्टेंट है जिसमें हेल्थ चेकअप का इवैल्यूएशन होना और उसका आपके यूरोलॉजिस्ट के द्वारा इंटरप्रिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ जो एबनॉर्मल पाई जाती है हेल्थ चेकअप में, जिसमें किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में कोई ग्रोथ हो या कोई स्टोन किडनी की पाइप में फंसा और आपको दर्द नहीं दे रहा, तंग नहीं हो रहे हैं आप और उससे पेशाब में खून नहीं जा रही है और मुश्किल नहीं है, तो उसको लाइटली ना लें। आपके यूरोलॉजिस्ट इन फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और अगर आप उनको जाके टाइम पे बताते हैं, जो एक साइलेंट कंप्लेन हो या फिर जो एक इमरजेंसी कंप्लेन हो, तो फिर इसको डिफाइन और रीडिफाइन करते हुए वो इन्वेस्टिगेशन लैडर में ऊपर जाते हैं। और सीटी स्कैन एक बहुत ही कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, जो कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हम सॉलिड स्ट्रक्चर जो किडनी में है, जिसे ग्रोथ या ट्यूमर या कैंसर कहते हैं, उसे निकालने के लिए दुरुस्त रहते हैं। टाइम पे इन्हें रिमूव करना और इन्हें पूरा क्योर करना और क्लियर करना, जो एक ज़माने में हम ओपन सर्जरी करते थे और जो बहुत ही एडवांस चीज़ों के लिए की जाती थी, आज उसे हम रोबोटिकली दो होल्स के द्वारा प्रेसीजन में इसे क्लियर कर पाते हैं। तो रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टोमी, रोबोटिक रेडिकल नेफ्रेक्टोमी, दो तरह की ऐसी सर्जरीज हैं जो हम आज मिनिमली इन्वेजिव तरीके से उन गांठ को निकाल पाते हैं और उन गांठ को क्लियर करते हुए आपको क्योर पे ले जाते हैं। तो हेल्थ चेकअप से वंचित ना रहें। यूरोलॉजी का हेल्थ चेकअप वो होता है जिसमें हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं और किसी पुरुष को अगर देखते हैं तो उनको उनके ऑर्गन्स के बारे में बताते हुए, उनको एग्जामिन करते हुए ये भी देखते हैं कि एक प्रोप्यूशियल हेल्थ बिल्कुल मेंटेन्ड है, यूरिनरी पैसेज में कोई रुकावट नहीं है, यूरोफ्लोमेट्री बताती है कि उनकी फ्लो अच्छी है, उनकी प्रोस्टेट उनको तंग नहीं कर रही है। और इसलिए 30, 40, 50 साल के बाद अगर हम किसी बहाने यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो अपने यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है कि ये इसकी फाइंडिंग्स है और आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है। आपके यूरोलॉजिस्ट क्वालिफाइड हैं जो रूटीन सेटअप्स में, हेल्थ चेकअप सेटअप्स में और इमरजेंसी सेटअप्स में आपकी यूरिनरी सिस्टम्स को, जो ग्रेजुअली ऐसे भी चेंज हो रहे हैं और चेंजेस बहुत हद तक स्मोकिंग के द्वारा होते हैं जिसमें कुछ ग्रोथ और गांठ मिलती है, या फिर आपका पानी कम पीना और आपके मेटाबॉलिक फैक्टर्स ऐसे होना जिसमें किडनी स्टोन्स फॉर्म होते हैं, ये सब चीज़ों को आपको उस लेवल को ले जाएं जहां पे उसको टाइम पे ट्रीट करें, क्योर करें और वापस ना आने देने के लिए कुछ तरह की प्रोफिलैक्टिक मेजर्स आपको समझाएं। तो हेल्थ चेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यूरोलॉजिकल हेल्थ चेकअप जो नॉन इन्वेजिव इवैल्यूएशन में, जिसमें यूरिन का, मिड स्ट्रीम का यूरिन का टेस्ट होना, पुरुषों में सीरम पीएसए का टेस्ट होना, डायबिटीज़ की कंट्रोल के बारे में बात करना, यूरिनरी हेल्थ का मेंटेन होना, सेक्सुअल फंक्शन मेंटेन होना, और उसके बाद सोनोग्राफी जो दोनों पुरुषों और स्त्रियों में आपकी यूरिनरी पैसेज के बारे में बताना और किडनीज के बारे में बताना, किडनीज में हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, सूजन नहीं है, रुकावट नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये सब अपने को हेल्प करता है। तो आज के लिए बहुत ज़रूरी था कि ये जागरूकता जिसमें हम यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें साइलेंट चेंजेस को हम अनदेखा ना करें, ये हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। धन्यवाद।